हे हाय, तो हमने पिछले वीडियो में कॉनकेव मिरर के 6 केसेस के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझाए हैं जो कि हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बेसिक समझेंगे। देखो, कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड पे होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड पे। इसको हम कुछ इस प्रकार भी डिनोट करते हैं। कॉनकेव मिरर के तरह ही कॉन्वेक्स मिरर के पास सेंटर सी, फोकस एफ और पोल पी होते हैं, जो कि तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। साथ में ही कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये तो हुआ बेसिक्स। अभी हम इसके इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स मिरर की केस में ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो पोजीशंस है। पहली, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरी, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर इनके अलावा ऑब्जेक्ट को तुम पोल के दूसरे साइड को रखते हो तो इमेज नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि मिरर की ये साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो चलो फिर इन दो केसेस को ही समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखो, हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करती है, और हमें ये भी पता है जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के अलोंग जाती है, कुछ इस तरह। पर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसके रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज होंगे। अगर आप इन रेज को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये रेज फोकस पे आके ही मिलेंगी, कुछ इस तरह। इसका मतलब इस केस में हमारी इमेज फोकस पे फॉर्म होगी, जिसकी साइज पॉइंट जितनी छोटी होगी, और क्योंकि ये मिरर के अंदर है इसीलिए ये वर्चुअल इमेज कहलाएंगी। तो ये था हमारा पहला केस। अभी समझते हैं दूसरे केस को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर के अलोंग जाएगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। और हमें ये पता है कि जो रे सेंटर के अलोंग ट्रैवल करता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ में रिटर्न आता है, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के अलोंग जाता है। अगर हम इन दो रेज को आगे एक्सटेंड करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इमेज की लोकेशन दे देगा। अभी यहाँ पे इमेज सीधी फॉर्म होगी, क्योंकि ये मिरर के अंदर है इसीलिए ये वर्चुअल भी होगी। साथ में ही ये रियल ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटी होगी। और यही था हमारा दूसरा केस, और इसी के साथ साथ हमने कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीख लिया। आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इन दो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।